Hello everyone, welcome to Sleepy Classes. Lecture 5th of Ethics GS4 में जो हम topics cover करेंगे वो है laws, rules और regulations and voice of conscience. ठीक है, so ये topics हम इस lecture में cover करेंगे. okay, so उससे पहले बात कर लेते हैं कुछ courses की. तो ये हमारे free courses हैं. so we have a trending topic of the day, did you notice, and premix, right? okay, और हमारी जो paid courses हैं उसमें mains की test series है, which is sectional, prelims की test series है, mentorship program है for mains, और अभी हम बहुत जल्दी प्री के मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ आएंगे, एज वेल एज मेंस के जो आंसर राइटिंग है उसके लिए क्विक कोर्स जो कि एक दो दिन में लॉन्च होगा. सो कीप अ टैब ऑन दैट इफ यू आर इंटरेस्टेड. ओके, सो अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में ये टॉपिक है. ठीक है, अगर आप जीएस पेपर फोर का सिलेबस देखें, सो इस टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. सो तीन क्वेश्चंस हैं. ठीक है, आप इनको पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं बिफोर वॉचिंग द फर्दर वीडियो, वो भी बहुत सही होगा. और अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप हमारी कंप्लीट जो एथिक्स की सीरीज है, मेंटरशिप कंप्लीट एथिक्स सीरीज मेंटरशिप प्रोग्राम के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप वीडियोज देख सकते हैं जो इस लेक्चर से रिलेटेड है, वहाँ पर अलग से हमने अपलोड कर दी है. ठीक है, सो शुरू करते हैं लेक्चर के. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में. इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जो आपका जो टॉपिक है लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन, और उसके बाद एक लास्ट जो है वो कंसेंसस पे आता है कि वॉइस ऑफ कंसेंसस की जो एक आपका जो टॉपिक है उसके ऊपर भी हम लोग बात करने वाले हैं. तो टोटल तीन सवाल हैं, पहले दो आपके लॉज एंड रूल्स पे होंगे और जो तीसरा होगा वो आपका कंसेंसस पे है. तो स्टार्ट करते हैं. जो पहला जो सवाल है वो आपके सामने है और ये आपका है कि व्हाट इज़ लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन. पहले तो बताओ तो सही कि भाई ये है क्या, पढ़ा क्या रहे हो. तो व्हाट इज़ इट एंड हाउ इट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो डेफिनेशन, लॉज आर कोडिफिकेशन ऑफ सर्टेन एथिकल वैल्यूज मेंट टू हेल्प रेगुलेट सोसाइटी एंड पनिशमेंट फॉर ब्रेकिंग देम. ये हुआ एथिक्स के हिसाब से आंसर, दैट दे आर कोडिफिकेशन ऑफ सर्टेन एथिकल वैल्यूज. ठीक है, लॉज आर, अगेन बोल रहा हूँ, लॉज आर कोडिफिकेशन ऑफ सर्टेन एथिकल वैल्यूज, इसको लिख लें. उसके बाद इट इज़ एन ऑर्डिनेंस ऑफ रीजन. यदि हम गूगल में सर्च मारेंगे लॉज की डेफिनेशन तो सीधा साधा आता है एन ऑर्डिनेंस ऑफ रीजन. रीजन का जो भी हमारा जो रीजन है उसके ऊपर जो ऑर्डिनेंस आ गया दैट इज़ लॉ. ठीक है, अब सवाल उठता है कि क्या कोई भी रीजन को लॉ बना दिया जाए. जी बिल्कुल नहीं. इट इज़ यूज्ड फॉर कॉमन गुड. जब तक कॉमन गुड नहीं आएगा तब तक हम लॉज नहीं बना सकते. इट इज़ यूज्ड फॉर कॉमन गुड, फॉर इट इज़ फॉर्मुलेट बाई दोज हु केयर फॉर द कम्युनिटी. ये मैं जो पिछले साल हमने लॉज के बारे में लिखा था, लॉज रूल्स के, वहाँ से मैंने उठाया है. तो वो मटेरियल है, आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एक वीडियो भी देख लीजिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है. उसके बाद फॉर्मुलेट बाय दोज हु केयर फॉर द कम्युनिटी. कम्युनिटी के लिए जो केयर करते हैं वो फॉर्मुलेट करते हैं, ये नहीं कि दुष्ट बंदा भी आके फॉर्मुलेट करने लगे. उसके बाद इट इंड्यूसेस एंड रिस्ट्रेंट सर्टेन एक्टिविटीज़. ऑफकोर्स इंड्यूसेस मतलब यदि कोई भी एक्टिविटी जो समाज के हित में है उसको वो इंड्यूस करेगा, और साथ ही में यदि कोई एक्टिविटी समाज के हित में नहीं है तो उसको रिस्ट्रेन करेगा. जैसे अब हेलमेट पहनना, ठीक है. अब यदि पता है कि हेलमेट पहनने से हमारी जान बच रही है, देश का भला होगा, क्योंकि यदि आप मरेंगे तो काम कौन करेगा. तो इसीलिए हेलमेट पहनना कंपलसरी कर दिया गया. पहले लेडीज़ के लिए जरूरी नहीं था, मैंडेटरी नहीं था, बट इन चंडीगढ़ एंड सम अदर सिटीज़ आल्सो इट हैज़ नाउ बिकम मैंडेटरी फॉर वीमेन आल्सो. ठीक है, तो डैट इज़ डेफिनेशन ऑफ लॉज. व्हाट इज़ इट, इट इज़ सिंपल लैंग्वेज में इट इज़ एन ऑर्डिनेंस ऑफ रीजन, गूगल में सर्च करेंगे, या फिर इट इज़ कोडिफिकेशन ऑफ सर्टेन इथिकल वैल्यूज मेंट टू हेल्प द रेगुलेट सोसाइटी. ये हुआ डेफिनेशन. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. देन व्हाट इज रूल्स.
रूल्स आर लीगल वर्जन ऑफ लॉज आर लीगल वर्जन ऑफ रूल्स. कुछ लॉज ऐसे आप देखिए, ये हुआ आपका रूल्स, ये हुआ आपका रेगुलेशन, ये हुआ आपका लॉज. ये मैंने कहीं से देखा था. तो अब जो जो रूल्स, या फिर उसको उल्टा करिए यार, उल्टा या सीधा भी कर सकते, कैसे करें इसको आप सब टेक्स्ट में मत सोचिए. इसको आप जैसे सोचिए कि एक दूसरे से ये कनेक्टेड है, ये अलग थलग नहीं है, बट किसी का दायरा बड़ा है, किसी का दायरा कम है. तो फिर क्या आता है कि व्हाट इज रूल्स. रूल्स जो है वो लीगल वर्जन है. लीगल वर्जन मतलब क्या कि हर एक रूल को आप लॉ नहीं बना रहे हैं, बट कुछ रूल हैं जिनको हम लॉ भी बनाते हैं. और मेन डिफरेंस क्या होता है रूल और लॉ में, कंसिक्वेंसेस जो इसके होते हैं ब्रेकिंग में. लॉ में तो इंस्टेंट आपकी पनिशमेंट है. रूल्स यदि आप ब्रेक कर देंगे तो आपको वार्निंग भी मिल सकती है, ठीक है, आपको पनिशमेंट मिले या ना मिले वो भी डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल रूल्स आर सेट बाय इंडिविजुअल्स ऑल्सो. जैसे चाइल्ड पेरेंट, आपके घर में ये रूल हो गया कि आपने रात के 7 बजे के बाद, 9 बजे के बाद घर में एंट्री नहीं हो करना, घर में एंट्री आपकी बंद है. यदि आप 9 बजे के बाद आओगे तो क्या होगा, क्या आपको घर में आने से मना कर देंगे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं. आपको हो सकता है डांट पड़े, आपकी पॉकेट मनी काट ली जाए, या फिर आपको कुछ ना करे मुंह फुला के, तब भी आप जाओगे ही जाओगे. तो एक रूल हो गया ये. इसी तरह आपके ऑफिसेज में रूल्स होते हैं. क्या होते हैं कि जी 9 बजे से पहले पहले आपने बैठ जाना है. नहीं बैठोगे, हाँ वहाँ पर यदि नहीं बैठोगे तो फिर आपको पनिशमेंट होता है, या फिर वार्निंग इशू होता है. यदि 4 बार 5 बार यदि आपकी हरकत ही वैसी रही तो फिर आपको देखा जाएगा. तो ये हो गया आपका रूल्स. तो इसलिए सम रूल्स जो आती है ना वो कम ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं और लो एंड कंसिक्वेंसेस की होती हैं, ठीक है. बट जो रूल्स हैं वो आपको फॉर्मल भी होती है और इनफॉर्मल भी होता है. तो फॉर्मल आपने देखा ही, ऑफिस वाला एग्जांपल दिया, इनफॉर्मल घर वाला, ठीक है. प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कैन ऑल्सो फॉर्म रूल्स. लॉज नहीं फॉर्म करेंगे वो हमेशा रूल्स फॉलो करते हैं. उसके बाद रूल्स कई बार यूज टू क्लैरिफाई लॉज, सप्लीमेंट और फिल द गैप्स ऑफ लॉज. रूल्स ये फॉर्मल नेचर में आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट ने पास कर दिया कि जीएसटी है जी, लॉ है, जीएसटी को एक लॉ के रूप में दिया जाए. लेकिन फिर आपका आता है रूल्स क्या बोलेगा कि कहाँ यूज करना है, कैसे एक्सेप्ट, कौन से उस पर ये एग्जम्प्ट है, कौन से उस पर नहीं है, कितना टैक्स स्लैब होगा, नहीं स्लैब होगा, ये सारी की सारी चीज़ें रूल्स में आ जाती हैं. तो आपको आई होप कि आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया है, ठीक है. उसके बाद एडिशनल गाइडलाइन, ठीक है, यूज टू क्लैरिफाई फॉर्मल एज वेल एज प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, मेड एज पर कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसिस एज वेल एज एक्ट. इट इज मेड एज पर एक्ट, नहीं, दिस इज मेड एज पर एक्ट. इट इज मेड ऑल्सो विद एज पर सिचुएशंस, ठीक है. उसके बाद बट रूल्स, तीनों कंडीशन, सर्कमस्टांसिस, एक्ट. तो रूल्स थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, आप इसको इस वे में सोचिए. रेगुलेशन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेट करती है. इसके दो एस्पेक्ट होते हैं, पहला प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड एनफोर्सिंग, एंड दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो रूल्स, जो उस पर रूल्स लिखा होता है. रेगुलेशन एक बहुत ही स्ट्रिक्ट वर्ड हो गया, ये लीगली बाइंडिंग है कि आपने यही काम करना है, नहीं करना तो आपको इंस्टेंट पनिशमेंट है. रिट इन नेचर, इसके ऊपर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. तो दीज आर रेगुलेशन. फॉर एग्जांपल जैसे ऑल इंडिया सर्विस रूल्स हो गया, और उस रूल्स के अंदर आपके सेवरल रेगुलेशन होंगे कि आपने पैसे नहीं लेने, आपने गिफ्ट नहीं लेना, आपने ये नहीं करना है. यदि आप करोगे तो फिर इंजाम भुगतोगे. इट इज़ यूजली मेड बाई एग्जीक्यूटिव फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ लॉज, ठीक है. तो एक हल्का सा एक दो लाइन में यदि आप डेफिनेशन बोल लेना चाहें तो लॉज हो गया भाई, लॉज एंड ऑर्डिनेंस ऑफ रीजन है. ये समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज की उन्नति के लिए होता है बेसिकली. रूल्स क्या हुआ, रूल्स आपका फॉर्मल भी है, इनफॉर्मल भी है, पेरेंट, और रूल्स का दायरा बहुत बड़ा होता है. कुछ रूल्स के ही जो लॉज हैं वो उसके रूल्स के ही लीगल वर्जन है, ठीक है. तो रूल्स ये हुआ बड़ा वाला, तो लॉज हुआ छोटा वाला, ठीक है. अब रेगुलेशन का ये अलग ही जगह है, ये लॉज के अंदर भी आ सकते हो आप, या यहाँ भी आ सकता है ये,
कि ये जनरली गवर्नमेंट बनाती है, और सो डैट उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रॉपर फंक्शन वे में फंक्शनिंग, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉपर फंक्शनिंग हो, ठीक है, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ लॉज, प्रॉपर गाइडलाइन होता है कि आपने ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, इसकी रिजिड नेचर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रॉपर कट होता है कि यही करना है और मेड एज पर एक्ट, ये अकॉर्डिंग टू एक्ट बनता है, हाँ ये मेड एज पर सर्कमस्टांसिस होता है, ये एक्ट अकॉर्डिंग टू एक्ट है, आपका एक्ट आ गया उसके अंडर रेगुलेशन होगा कि आपने उसमें फिर ये करना है ये नहीं करना है, तो दिस इज ऑल अबाउट रेगुलेशन। उसके बाद हाउ इट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इथिकल गाइडेंस, ठीक है, इथिकल गाइडेंस के सोर्स के लिए वो कैसे एक्ट होता, कैसे एक्ट करता है, तो सीधा सा बात है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड गाइडलाइंस। इथिकल गाइडलाइंस क्या होता है, इथिकल डिलेमास कब फेस करते हैं, इथिकल डिलेमास तब फेस करते हैं जब हमें पता ही चलता होता है कि या ये करें या वो करें, ठीक है, तब इथिकल डिलेमास अराइज होते हैं, क्या मैं रेड लाइट क्रॉस करूँ अपने किसी बीमार रिलेटिव को हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए या ना करूँ, तो दिस इज इथिकल गाइडेंस बोलते हैं, तो ये इथिकल डिलेमास हुआ, तो जब भी डिलेमास होते हैं तो उसके गाइडेंस के लिए, गाइडिंग लाइट के लिए क्या क्या होता है, तीन चार चीज़ें होती हैं, तो उसमें लॉज रूल्स भी होते हैं, लॉज आपको बता देता है कि नहीं भैया आपने यही करना है, ठीक है, तो इसीलिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड गाइडलाइंस होता है, नो सब्जेक्टिव डिसीजंस, आदमी अपने हिसाब काम नहीं करता, उसकी अपनी मर्जी नहीं होती कि उसने ये यही करना ये नहीं करना, लिखा लिखाया है आपको वही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगला है आपका वही क्रिस्टल क्लियर, फॉर एग्जांपल ऑफिस ड्रेस, आपको पता है कि सुबह उठ के वही पहनना है, आपकी कोई अपने हिसाब से अपना अपनी अपने कपड़े नहीं पहनते हो, आप कपड़े तो आपके अपने ही होते हैं ऑफ कोर्स, बट अपनी मनमर्जी के कपड़े नहीं पहनते हो, तो ये आपको बताता है कि कैसे एक इथिकल डिलेमास जो होता है उसको सॉल्व करता है। इसके पॉइंट्स और भी हो सकते थे, आप भी सोचिए, कम पॉइंट दिए मैंने इसमें जानबूझिए, बिकॉज हर एक चीज़ का तो घुट्टी नहीं पिलाया जा सकता ना यार, कुछ चीज़ें आप भी सोचिए और फिर लिखिए कि ये कैसे सोर्स है। सोर्स मुद्दा यदि आप बोल सकते हो कि ये एक गाइडेंस, गाइडिंग लाइट की तरह काम करता है, सब्जेक्टिव हो गया आपका, जब भी आपकी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होंगे तो फिर आप लॉज का हवाला दे सकते हो, जब भी आपका आपके ऊपर प्रेशर होगा तब भी आप बोल सकते हो कि नहीं सर आई एम फंक्शनिंग, आई हैव टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन, तो ये आपको गाइडिंग लाइट की तरफ प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन आपका फिर से, व्हाट इज लॉ, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉ एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एथिक्स। इसमें यार ये बार बार आ जा रहा है, एक सेकेंड इसको मेरे को ये रब करने दो, ठीक है। तो अब व्हाट इज लॉ पिछले ही स्लाइड में डिस्कस किया, तो आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉ से बात करते हैं एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एथिक्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ये आपका कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट मतलब कि ये नहीं कि एक लॉ बोलता है कि आप यदि रेड लाइट क्रॉस करोगे तो आपको 200 रुपये फाइन होगा, दूसरा लॉ बोलता है यदि आप रेड लाइट क्रॉस करते हो तो आपको 5,000 रुपये फाइन होगा, ऐसा कुछ नहीं है, कंसिस्टेंट होते हैं लॉज की रिक्वायरमेंट यही है कि जो डिफरेंट लॉज होते हैं वो कंसिस्टेंट है, ठीक है, उसकी जो गाइडलाइन है वो क्रिस्टल क्लियर है। दूसरा इसका एस्पेक्ट करेक्टर यूनिवर्सल, ये सब पे इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, यदि कहीं पे एक्सेप्शन है तो उसको मेंशन किया जाएगा कि यह दिस लॉ इज नॉट इम्प्लीमेंट एक्सेप्टेड दिस थिंग, जैसे अब आपका रूल ऑफ लॉ है कि यदि कोई भी आदमी किसी को क्या करता है, यदि कोई भी तंग करे, अब जैसे किसी को शूट आउट करे, यदि कोई भी पुलिस से गलती से भी फायरिंग हो जाती है तो उसका एक सर्टेन पैटर्न है कि वो कोर्ट में जाएगा, चार्जशीट होगा, उसको बताना पड़ेगा, बट यदि एस्फा के अंदर में क्या है, वो एक लॉ है कि आर्मी को आर्मी ही उसका इन्वेस्टिगेट कर सकती है, और यदि उसको कहीं और से करना है तो उसके ऊपर पैटर्न है, तो वो आर्मी का उसमें एक्सेप्शन हो जाता है, तो इसलिए वो यूनिवर्सल जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे आपको मेंशन कर दिया जाएगा, ठीक है, बट जनरली जो लॉज होते हैं वो आपके यूनिवर्सल होते हैं, राजा और रंक को एक ही समान अप्लाई होता है। उसके बाद पब्लिश्ड, ऑफ कोर्स लॉज जब तक पब्लिश नहीं होगा तब तक वो लॉज कैसे होगा, जब तक आम आदमी को पता ही नहीं है कि ये लॉज है तो पता कैसे चलेगा, उसको पब्लिश्ड होना चाहिए, बाकायदा गैजेटेड नोटिफिकेशन निकलती है कि ये लॉज हुआ और पब्लिश किया जाता है, और अवेयरनेस आपका मीडिया वगैरह, आपका न्यूज़पेपर मीडिया आपका प्रोवाइड करता है। एक्सेप्टेड,
लॉज आपकी एक्सेप्टेड होनी चाहिए। अब यदि लोग उसको एक्सेप्ट उस लॉज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं तो फिर वो लॉज का है का, और तो फिर उसका जो उसकी जो उसकी जो करेक्टरिस्टिक है कि लॉज पीपल फॉलो करेंगे, पीपल तब फॉलो करते जब वो एक्सेप्टेड हो, और यदि नहीं है तो वो फॉलो ही नहीं करेंगे। और प्लस यदि ये भी है, यदि एक्सेप्टेड लॉ नहीं है तो फिर वो ड्रैकोनियन अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट की निशानी होती है कि बंदे करें ना करें हम तो बना दिया और आपको ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। तो एक्सेप्टेड होना चाहिए, एनफोर्स्ड, सिर्फ इतनों चीज़ों से नहीं, वो जो लॉज है उसकी एनफोर्समेंट भी प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ इसकी करेक्टरिस्टिक कि कंसिस्टेंट होनी चाहिए आपकी, ठीक है, यूनिवर्सल होना चाहिए, सब पे अप्लाई होना चाहिए, पब्लिश्ड होना चाहिए, उसके बाद आपका एक्सेप्टेड होना चाहिए और एनफोर्स्ड होना चाहिए, एनफोर्स सब लोग करें। ठीक है, एक लाइन और लिख दें यहाँ पे, लॉज आर चेंजेबल, वो आपको पता ही है, जैसे लॉज टाइम प्लेस इवेंट पीपल, ये सब फैक्टर हैं जो लॉज को चेंज करता है। यदि स्लेवरी पहले लीगल थी तो अब लीगल नहीं है बिकॉज सोसाइटी इवॉल्व हो चुकी है। यदि सती को पहले मान्यता था बट 1829 के बाद उसकी मान्यता ख़त्म है, ठीक है, क्योंकि वो अब सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो टाइम हो गया। प्लेस, कई जगह क्या होता है, कुछ चीज़ें आपका यूरोप में इलीगल है बट यहाँ पे लीगल है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कनाडा में उल्टा ले लो, कनाडा में अभी मैरिजुआना उगाना ग्रो करना लेना लीगल हो गया बट इंडिया में इलीगल है। तो वो प्लेस पे भी डिपेंड करता है, इवेंट पे भी डिपेंड किया, इवेंट वही इवेंट नहीं बोलोगे इसको, इवेंट बोल सकते कि कई इवेंट में कुछ चीज़ें अलाउ करते हैं कुछ चीज़ें अलाउ नहीं करते हैं। पीपल ऑफकोर्स, फॉर एग्जाम्पल अभी जो रिसेंट था आयरलैंड एबॉर्शन लॉ, ठीक है, तो आयरलैंड अपना एबॉर्शन लॉ रिपील कर रहा है। पहले की सोसाइटी कुछ और थी, पहले का टाइम पीरियड कुछ और था, पहले कंजर्वेटिव थे, बट अब देख रहे हैं कि बाकी लोग भी बाकी इवेंट्स भी देख रहे हैं, वो प्रोटेस्ट भी हो रहा है, तो उससे वो चेंज कर रहे हैं। जो लॉज है वो चेंजेबल है, लॉज ऑफकोर्स यदि कोई भी चेंज आपकी रिजिड नहीं होती है, द ओनली कॉन्स्टेंट इज चेंज। ये एक बहुत अच्छी लाइन है, आप कहीं भी इसको फिलोसफिकल में घुसा सकते हो कि द ओनली कॉन्स्टेंट इज चेंज। उसके बाद लॉज वर्सेस, कभी भी आपका ये आता है ना एथिक्स का, तो एथिक्स का डिफिनेशन मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप रिकॉल करिए और यहाँ पे प्रोड्यूस करिए। एथिक्स आर स्टैंडर्ड, एथिक्स आर फ्रेमवर्क, एथिक्स डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, रिपीट कर ही रहा हूँ, ठीक है। एथिक्स के बारे में जब भी आता है ना लॉज से रिलेटेड, तो या फिर कोड ऑफ एथिक्स में भी हम देखेंगे, जब भी आता है इस टाइप की चीज़ें तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं दे आर यूज टू कवर लूज एंड ऑफ द सोसाइटी, ये आप हमेशा डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एथिक्स को डिफाइन कर दिया, कैसे डिफरेंस है, तो लॉज को डिफाइन किया, एथिक्स को फिर आप डिफाइन करेंगे, फिर लॉज वर्सेज एथिक्स का ओवरलैप बता दो, लीगल बट अनइथिकल, लाइंग, स्प्लिटिंग इन पब्लिक, थूकना पब्लिक में क्या लीगल तो नहीं है, नहीं DMRC में यदि थूकोगे तो ये इलीगल है, और अनइथिकल भी है, ठीक है। कहीं और थूकते हो जैसे आप रोड पे थूक दिया, तो कई जगह तो आप कर दिया कि इलीगल है, लेकिन कई जगह क्या क्या हुआ कि इलीगल नहीं है बट अनइथिकल है कि आप रोड को गंदा कर रहे हो यार, ठीक है। उसके बाद गर्ल्स नॉट वियरिंग हेलमेट, इसमें आप लगा दो इलीगल तो नहीं है, ठीक है, ये लीगल है कि नहीं, ठीक है उनकी मर्जी है, ये लीगल है बट अनइथिकल तो है, उनका माथा ही है, यदि एक्सीडेंट होगा तो दे कैन सफर सीरियस डैमेजेस बट इलीगल नहीं है। नॉट लीगल बट एथिकल, बेगिंग आपका इलीगल है बट यदि कोई भूखा मर रहा है तो, ओवर स्पीडिंग टू रीच हॉस्पिटल, ठीक है, अब यदि वही कोई रिलेटिव आपका, उसको हॉस्पिटल जल्दी पहुंचना है, हार्ट अटैक आया हुआ है, आप ओवर स्पीड कर रहे हो, रेड लाइट क्रॉस कर रहे हो, लीगल तो नहीं है बट इथिकल मान सकते हैं। बोथ आर नेसेसरी, लॉज एंड एथिक्स बोथ आर नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। ये क्वेश्चन ना कभी कभी UPSC हमेशा पूछता है, जिसमें आपका
डिलेमास रहते हैं कि ये फॉलो करो या वो फॉलो करो, ठीक है। ऐसे जब आप केस स्टडीज भी करेंगे तो उसमें ये इस टाइप का एक ना हमेशा रहता है, जिसमें लॉज वर्सेस एथिक्स का बात रहता है, ठीक है, हमेशा से रहेगा। कि अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपका गरीब आ गया आपके पास, ठीक है, उसके पास पैसे नहीं हैं, तो क्या आप उसको 4 किलो ज़्यादा आटा दे सकते हो, या उसको आप कुछ और फंड में कुछ और कर सकते हो, या समथिंग लाइक दैट। जैसे कोई रोड पे पड़ा हुआ है, ठीक है, रोड पे पड़ा हो, अब फॉर एग्जांपल जैसे कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, अब एक्सीडेंट के बाद तो बता, यदि बाकायदा हमारी जिम्मेवारी होती है कि उस आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाना, और वो तो आप पहुंचा दोगे। अब क्या होता है, जनरली जहां पर एक्सीडेंट होता है तो जब तक पुलिस नहीं आती है तब तक आपको वो व्हीकल वहां से हटाना नहीं होता, नहीं तो फिर वो FIR लॉज नहीं करते रहते हैं। बट यहां पे आ गया ये लॉज, लेकिन एथिक्स क्या बोलता है कि आपको वो हटाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों में अब फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लो अच्छा वाला, कि अब जैसे किसी को, अब जैसे कोई बैंक ऑफिसर है, ठीक है, कोई बैंक ऑफिसर है, और क्या हुआ है कि एक आदमी आया उसका पासबुक लेके नहीं आया है, तो बैंक में जब भी जाओगे तो पासबुक नहीं लेके नहीं आओगे तो बैंक वाला आपको पैसा नहीं देगा, ठीक है। बट आप देख रहे हो कि वो गरीब है, वो आपका पुराना कस्टमर है, आप नोन हो, तो क्या आप पैसा दोगे? दे दो यदि अमाउंट छोटा है, तो दे दो यदि बैंक बंद हो रहा है तो दे दो, बट अपने ऑफिसर जो आपका मैनेजर है उसको बता दो। तो जब भी एथिक्स वर्सेस लॉज का जो आता है ना मुद्दा, तो आप इसमें मोटिव जरूर बताओ कि मेरा मोटिव क्या है, और उसके बाद आप बताओ कि एम्पैथी लाओ, इसमें एम्पैथी वाला एंगल लाओ, कि ठीक है लॉज आपका रूल्स मेरिट वगैरह देता है, बट लॉज ओनली, लॉज तब तक के लिए, लॉज किसी चीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए, किसी चीज़ को हेल्प करने के लिए, सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन जब वो लॉज उस समय के लिए बैरियर बन रहा है तो फिर आपको ओवरराइड करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट आप बता दो, जिसको भी बताना है आप बता दो, और वो समझेगा भी, जो भी उस समय एनफोर्सिंग एजेंसी होगी उसने समझना भी है कि ये किस भावना के साथ ये काम कर रहा है। तो ये लॉज वर्सेस एथिक्स के हम केस स्टडीज भी करेंगे तो इसमें ये चीज़ आ जाती है। तो इसलिए बोथ आर नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ दिस सोसाइटी, ठीक है, बिकॉज दे आर यूज टू कवर लूज एंड। जहाँ पे लॉज ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पे ग्रे एरिया स्टार्ट हो जाती है, उसको ये कवर करता है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा जा चुका है, ये शायद UPSC का ही सवाल है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस, हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ टू हीट द वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। अब यहाँ पे आता है हाउ, कैसे, और ये होता क्या है। तो वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस है आपका इनहेरेंट इंट्यूटिव कैपेसिटी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, क्या सही है वो क्या गलत, वो आपकी अंदर से आवाज़ आती है, एक अंदर से आपकी खनकती है कि हाँ ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। तो बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, द रोल ऑफ इनर वॉइस, ये आपकी अंदर की, जिसको नहीं बोलते आप अंतरात्मा, ये अंतरात्मा की आवाज़ है, ठीक है। उसके बाद मोरल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ऑफकोर्स ये आपकी मोरल सेंस देता है कि अच्छा ये चीज़ गलत है ये चीज़ सही है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आदमी गरीब को एक थप्पड़ मारने से पहले सोचता है कि यार क्यों मार रहा हूँ मैं, एक अंदर से आवाज़ आती है, और ये गाइडिंग लाइट की तरह है, एक ही चीज़ है यार, कोई कुछ भी चीज़ याद रख लो, इनहेरेंटिव इंट्यूटिव कैपेसिटी, गाइडिंग लाइट, इनर वॉइस, राइट एंड रॉन्ग, मोरल सेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब क्या है, बुद्धा का एग्जाम्पल इसमें दे सकते हो, महात्मा गांधी का प्योर हार्ट है, काम प्लस वेल डायरेक्टेड भी होना चाहिए। उनको पता था कि उनकी एक तो पहले हार्ट बहुत प्योर थी, गांधी जी की भी, उनको पता था कि काम वे में किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है, ठीक है। तो ये है वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस। फैक्टर क्या फॉर्म करते हैं कॉन्शियसनेस में, फैमिली, आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कॉन्शियसनेस को फॉर्म करने में, फैमिली बताती है कि कॉन्शियसनेस कैसे डेवलप किया जाए। रोल ऑफ टीचर्स, टीचर्स यदि आइडियल हैं तो उस हिसाब से आप भी आइडियल बनने की कोशिश करते हो। फिर बॉन्ड,
यदि आपकी सोसाइटी ऐसी है, यदि आपका फ्रेंड सर्कल फैमिली सर्कल ऐसा है कि जहाँ पे जो बॉन्ड है वो कॉन्शियसनेस को, प्योर कॉन्शियसनेस को प्रमोट करती है, तो आपके अंदर भी वो चीज़ें आएंगी कि आपके अंदर भी कॉन्शियसनेस प्रमोट होगी अच्छी वाली, ठीक है। नहीं तो आप जिहादी ग्रुप ग्रुप के साथ जाते हो तो उनकी भी कॉन्शियसनेस है, वो भी एक, वो भी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं, बट उनका जो बॉन्ड है वो अलग है, वो इविल जिसको बोल सकते हो हम लोग, उनकी जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही इविल है। तो इस हिसाब से आपका ये आंसर आ जाता है कि बॉन्डिंग, इविल, सराउंडिंग, फैमिली, ये इंपॉर्टेंट आ जाता है। उसके बाद एडुकेशन बता ही दिया मैंने, पॉलिटिकल सेटअप, ऐसा देखा गया है कि यदि आपकी डेमोक्रेसी है उस कंट्री में तो वहाँ पे लोग डेमोक्रेटिक होते हैं, उनकी कॉन्शियसनेस एम्पैथिक होती है, वो लोगों की हेल्प करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो ये पॉलिटिकल सेटअप, अब लेकिन जहाँ पे ऑथोरिटेरियन है, जहाँ पे इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा है, तो वहाँ का भी कॉन्साइस लोगों का इंडिविजुअलिस्टिक ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा ऑथोरेटिव होते हैं। तो ये एक रीज़न है पॉलिटिकल सेटअप का, लीगल फ्रेमवर्क एक ही चीज़ है। एडमिनिस्ट्रेशन इन पब्लिक सर्विस, ये भी दिखा गया कि जैसे एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन करता है वो भी एक फैक्टर बनाता है। यदि ऑफ कोर्स यदि आपको कोई पुलिस वाला हेल्प कर दे कि बेटा कोई ना, आप जल्द स्पीड चला रहे थे तो कोई रीज़न होगा, तो अगली बार से आप भी बोलते हो कि नहीं यार वो पुलिस वाला अच्छा था, आपका हेल्प जागता, आपका आपके अंदर हेल्पिंग नेचर जागता है, आप भी दूसरे को हेल्प करने की कोशिश करते हो। तो ये हुआ एडमिनिस्ट्रेशन इन पब्लिक सर्विस, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके अलावा प्रिपरेशन, जो जो आपका जो सवाल था कि हाउ डू यू प्रिपेयर, आस्क योर सेल्फ, आदमी का जो सबसे जो बेस्ट गाइड होता है वो खुद होता है, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी सिचुएशन है, आप अपने आप को दूसरे के उस सिचुएशन में रख के सोचो कि यदि मैं इस सिचुएशन में हूँ तो मैं क्या करता। तो एक तो आप रख रहे हो उस सिचुएशन में, और दूसरा अपने आप से सवाल भी पूछ रहे हो कि क्या मैं करूँगा, आपको आंसर अपने आप ही मिलने लगते हैं। हर एक चीज़ का जो क्योस, फिर से फाइट, एंगर, इन सब चीज़ों का रीज़न मालूम क्या है, इन सब चीज़ों का रीज़न होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे होते हैं, हम दूसरे का पर्सपेक्टिव लेने की कोशिश ही नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल जो आजकल जो राइज है बहुत ज़्यादा, वो डिवोर्स केसेस बहुत ज़्यादा राइज है इंडिया में, क्यों, क्योंकि हर एक आदमी बोलता है कि मैं सही हूँ। दूसरे का पर्सपेक्टिव यदि आप देखोगे या उसके जगह पर रख के सोचोगे कि एक मिनट के लिए सोच लो कि ये आदमी जो ऐसे फंक्शन कर रहा है इसके पीछे रीज़न क्या है, ये क्यों ऐसा कर रहा है, तो आपको आंसर मिल जाएगा, आपके अंदर कॉन्शियसनेस खुद ब खुद ही डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो आस्क योर सेल्फ, पुट योर सेल्फ इन डैट सिचुएशन, मेडिटेशन, ध्यान लगाओ, ध्यान लगाने से काफ़ी हेल्प होता है, ठीक है। बुक्स, यदि आप किताबें पढ़ते हो तो आप देश दुनिया के बारे में डिफरेंट एस्पेक्ट, डिफरेंट नॉलेज, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानते हो। उससे ज़्यादा क्या होता है, मूवीज़ आपके अंदर भी कॉन्शियसनेस बनाती हैं। गुड फ्रेंड सर्कल, ठीक है। पैशनेट अबाउट योर जॉब, एक सेकेंड मैं इसको रब करके लिखता हूँ, पैशनेट, एक सेकेंड, फिर हो गया आपका पैशनेट अबाउट योर जॉब, डेडिकेशन टुवर्ड योर जॉब, टुवर्ड योर फैमिली, जॉब हो गई, फैमिली हो गई, ये सब भी एक पॉइंट, ये भी आ गया, एक पॉइंट ये भी आ गया, ये सब भी आपको कॉन्शियसनेस बिल्ड करने में हेल्प करती है। रिलीजन को हम लोग गलत वे में लगते हैं, लेकिन रिलीजन हमेशा आपको सोलेस देता है। जब आपका कोई कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता है, यदि आप एथिस्ट हो तो फिर भी, तब आपका रीजन हो जाता है, यदि आप एथिस्ट हो तो रीजन, नहीं तो आप रिलीजन, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो जिसके आंसर्स इट इज़ बियॉन्ड ह्यूमन कैपेबिलिटीज टू नो डैट, तो आपको सोलेस देता है रिलीजन, आपको बहुत तगड़ा कॉन्शियसनेस फॉर्म करता है, ठीक है। रिलीजन लेकिन कभी भी मारकाट नहीं बताएगा कि किसी को मारो, डैट इज़ नॉट अ ट्रू रिलीजन। रिलीजन हमेशा पीस बताता है, हमेशा हारमोनी बताएगा, हमेशा सोलेस बताता है। तो रिलीजन हो गया, रीजन हो गया, फिर से आपका वॉलंटियरिज्म हो जाता है, जब आप वॉलंटियर करते हो सोशल हेल्प में तो आपके अंदर कॉन्शियसनेस फॉर्म होता है। तो हाउ टू प्रिपेयर, फिर आप अपने एग्जांपल से दे दो कि बर्थडे को सेलिब्रेट करो आप कहाँ पे, ओल्ड एज होम, ओल्ड पीपल के साथ, ओल्ड एज होम्स में,
विडोज के साथ, तो आपके अंदर अपने आप ही कॉन्शियस, जब जब भी आप सोसाइटी के साथ लिंक करोगे, किताब पढ़ोगे, अपने अंदर झांकोगे, मेडिटेट करोगे, तो आपके अंदर ही अपने आप ही कॉन्शियसनेस आने लगता है। तो ये था आपका वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस का सवाल। तो इसके साथ हम देखते हैं कि एक बार रिवीजन कर लेते हैं, लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन पता हो गया आपको कि क्या लॉज है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, हाउ इट एक्ट एज सोर्स ऑफ लॉज, आपका ऑर्डिनेंस ऑफ रीजन हो गया, कोडिफिकेशन ऑफ सर्टेन एथिकल वैल्यूज होगी, सोर्स क्या होती है एथिकल गाइडेंस की, ये आपकी सारी सोर्स आपका नीचे दिया हुआ है मैंने, रूल्स क्या हुआ, रूल्स फॉर्मल इनफॉर्मल में आप याद रखना, फ्लेक्सिबिलिटी में याद रखना, ठीक है, प्राइवेट भी फॉर्म कर सकता है इसमें याद रखना, रेगुलेशन सिर्फ गवर्नमेंट फॉर्म करता है, रिजिड होता है, लीगली बाइंडिंग होता है, मेड एज पर दी एक्ट होता है। तो ये हुआ लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन, ये सवाल नहीं पूछा है शायद अभी तक, तो ये सवाल पूछ सकता है। तो लॉज एंड रूल्स में ना एक हमेशा लॉज और रूल्स एक आगे बताता हूँ, फिर लॉज एंड एथिक्स में ना हमेशा एक ये डायग्राम हमेशा बनाने की कोशिश करो, वेन डायग्राम, यदि आपको कोई और भी डायग्राम बना सकते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर फोटो वगैरह खींच के, यदि है कोई उपाय, या फिर मेल करो, क्योंकि एथिक्स में शेयरिंग एंड केयरिंग वाला हिसाब किताब चलता है। लॉज एंड एथिक्स में ना हमेशा लॉज और एथिक्स, ये हो गया लॉज, ये हो गया एथिक्स, ये हो गया आपकी कुछ भी, इथिकल गवर्नमेंट, गुड गवर्नेंस, ठीक है, नेचर ऑफ गुड ब्यूरोक्रेट, इस हिसाब से आप इसका ये ना बहुत काम देता है बोथ वाले में ना। और एथिक्स के पेपर में डायग्राम यदि बना सकते हो, यदि टोटल आपके 8 क्वेश्चन होंगे, 8 उसके यदि ए बी करके देते, यदि 7 में शायद ए बी होता है, तो 14-15 क्वेश्चन आपने लिखने होते हैं, तो 15 में 15 तो डायग्राम नहीं बनेंगे, लेकिन यदि 5 में भी बन जाते हैं ना डायग्राम टाइप का, तो उससे आपके नंबर जरूर बढ़ते हैं। फिर आपका लॉज आर चेंजेबल और एबोर्शन, लॉज आर चेंजेबल वो हमने टाइम प्लेस सोसाइटी से आपको बता दिया, इवन एथिक्स आर चेंजेबल, तो उसका आंसर आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है, ये भी लिख सकते हो कि लॉज आर नॉट इन आइसोलेशन, ठीक है, ये भी देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने लॉज आर इन नॉट इन आइसोलेशन, ये मैंने कहाँ पढ़ा, ये मैंने पढ़ा एथिक्स में, एथिक्स डोंट फंक्शन एज आइसोलेशन, तो आप यहाँ भी घुसा सकते हो कि लॉज डोंट फंक्शन इन आइसोलेशन, तो इस तरह से आपकी इंटरलिंकेजेस होती रहती है, ये नहीं कि ये बोल दिया तो अब यहाँ के पॉइंट आपके यहाँ भी आ सकते हैं, वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस आपके कंसिस्टेंट होने चाहिए, बोल सकता हूँ मैं, क्यों नहीं बोलूँ मैं, कंसिस्टेंट होने चाहिए, एक्सेप्टेड होने चाहिए, ये दो पॉइंट तो आ गए यहाँ से मेरे के यहाँ पे, कि डैट वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस शुड बी एक्सेप्टेड, वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस शुड बी कंसिस्टेंट, दे आर द एंड एवरी गुड ह्यूमन बींग हैज अ kind of, you can say that universal consciousness. What are those? To help the poor, to lose yourself for the help of the mankind, honesty, फिर से आप वहाँ पर साहिलू लगा दो कि these are the voice which guide people for the better achievement of the society. तो ये चीज़ आप वहाँ से लगा सकते हो. How do you prepare yourself to the heat of the voice of conscience? तो ये आपका याद आता है. क्या क्या होता है? फैमिली बॉन्ड एडुकेशन, यहाँ पे आप कंट्री दे दो, ठीक है, सर्कमस्टांसेस, जॉब, ठीक है, तो अब ये मतलब कि ये एक सेट पैटर्न नहीं है, इसके कई आपके कई आंसर हो सकते हैं, इस चीज़ के कई पॉइंट्स हो सकते हैं, जब भी आप आंसर लिखो कमेंट सेक्शन में डालो, एक पोर्टल बना, हम लोग सोच रहे हैं कि पोर्टल जहाँ पे क्वेश्चन आंसर आप लोग खुद भी डालेंगे, तो आप देखेंगे जब आप 3-4 आदमी के आंसर पढ़ेंगे तो आपका एक अपना आंसर ये तैयार हो जाता है, तो इसीलिए शेयरिंग एंड केयरिंग, हमेशा ये सोचो कि जो आपकी जो कंपटीशन है कम से कम मेंस में 15,000 लोगों के साथ है, और यदि 500 लोग भी अपने आंसर एक दूसरे से कर लेते हैं तो आपको कितना ज़्यादा एज हो जाता है, लेकिन क्या होता है जनरली सभी साइलोज में काम करते हैं, उनको लगता है कि सबको लगता है कि मेरा आंसर यूनिक है, मेरा आंसर बहुत अच्छा है, तो उस हिसाब से क्या होता है वो डायनेमिक फ्रूटनेस नहीं आ पाती है, तो फिर सब लूज करते हैं उस गेम में, तो एक ग्रुप बनाओ, आपको स्लीपी क्लासेस का एक अच्छा ग्रुप है, एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे इंटरेक्ट करो लोगों के साथ, यहाँ पे अपने आंसर प्रोड्यूस करो, अब जैसे ये डायग्राम है, इसी की तरह से यदि कोई और कुछ भी इस टाइप का यदि कोई डायग्राम ले आए, एक सेकेंड, समथिंग ऑन दिस सॉर्ट, यदि आपके 3-4 डायग्राम इस टाइप के आ जाते हैं यदि किसी में इस टाइप से कि कुछ आप ऐसे प्रोग्रेसिव सोसाइटी एथिकल गवर्नेंस की बात कर रहे हो, तो कुछ ऐसे आप टाइम के साथ यदि आप शो कर पा रहे हो, तो ये भी एक तरीका है, तो ये आप तब करोगे, कोई कोई आपका ये खनकेगा किसी के दिमाग में, किसी के दिमाग में ये खनकेगा, दोनों को ऐड ऑन कर दो,
तो एक आपका अच्छा आंसर तैयार हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा हेल्प किया था हम लोगों को केस स्टडीज़ में, ठीक है। अब केस स्टडीज़ के लिए सिर्फ आज का टास्क मैं दे रहा हूँ, एक बहुत ही सरल टास्क है। आप मेरे को कम से कम 15 से 20 पॉइंट बताओ, बताइएगा, कमेंट में डालिएगा कि कैसे करप्शन को दूर किया जाए। सीधा सा सवाल है, कोई ज़्यादा है ही नहीं कि हाउ टू रिड्यूस करप्शन। तो हम लोगों ने क्या किया था एथिक्स के एक पेपर से पहले, हम लोग दो तीन दोस्त बैठ गए थे, तो कम से कम हम लोग को 15-20 पॉइंट थे, हम लोग को 30 पॉइंट आ गए थे, ठीक है। 30 पॉइंट वी वर एबल टू, कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ समझ रहा था, कोई कुछ, आप एक बार लिख लो उसके सिनोनिम बना लो, तो आपका एक अच्छा आंसर तैयार हो जाता है। तो इसीलिए ग्रुप में ग्रुप बहुत हेल्प करता है, बनस्पत ग्रुप फ्रूटफुल हो। तो प्री के बाद तो ग्रुप जनरली कोई बकवास तो मारता नहीं है, जनरली सभी ठीक ही काम करते हैं। तो इस हिसाब से ये भी टॉपिक आपका लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन एंड कॉन्शियसनेस, ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका रह जाता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस इस वाले टॉपिक में, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस रह जाता है, और थोड़ा बहुत हाउ टू स्ट्रेंथन इथिकल एंड मोरल फ्रेमवर्क ऑफ मोरल वैल्यूज इन गवर्नेंस। तो ये आप रिकार्पेट से भी कर सकते हो, बट मैं सोचूंगा कि एक क्वेश्चन इस पर और डिस्कस कर दूं। तो ये आपका काफ़ी हद तक ये सवाल, ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक है, फिर इसके साथ ही ये लेक्चर आपका समाप्त होता है। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दंदनाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।